एपिसोड की स्टार्टिंग फिर से पास्ट के एक सीन से होती जहां पर आयुन अकेले बैठकर चिल कर रही होती तो ओम इसे देखकर अपने दिल की बात बताती कि काश आयुन के जगह पर ओम होती, क्योंकि वो थक चुकी काम करते करते। आयुन ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई काम नहीं करती तो कितना अच्छा जिंदगी जी रही, बट मुझे देखो हर वक्त काम करते रहना, मैं आयुन की तरह नहीं कर सकती क्योंकि मैं ग्रैंडमा के परेशान नहीं करना चाहती। आयुन ये सब बातें सुनकर कहती, घुमा फिरा कर बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो साफ साफ कह दो, लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ओम आयुन को कहने लगती, तुम्हारे साथ जो भी कुछ क्यों ना हो जाए, जॉबलेस क्यों ना रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ग्रैंडमा तुम्हें लेकर हर वक्त परेशान रहा करती, तुम कब ग्रैंडमा को परेशान करना बंद करोगी। ओम आयुन को कुछ जॉब करने को कहती, इस तरह से बेमतलब वाली जिंदगी जीने को मना करती, बट आयुन इसकी बातें नहीं सुनती तो ओम गुस्से में बहुत कुछ सुनाने लगती। हम आयुन को देखते जो सीक्रेटली जॉब ढूंढना स्टार्ट करती बट एक भी जॉब नहीं लगता। तो यहीं से सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता जहाँ पर आयुन मे को उसके एक्स के साथ देखती। जब मे को पता चलता कि आयुन यहाँ पर है तो मे आयुन को प्लॉय से मिलाती, प्लॉय के साथ जो भी कुछ रिश्ता मे का था वो सब बात बताती और जस्ट फ्रेंड बताती। हम आयुन और प्लॉय को देखते जो राइवल की तरह एक दूसरे को देख रही होती। प्लॉय कहीं ना कहीं अभी तक मे को पसंद करती बट मे को नहीं बताई है। तो बातों बातों में कुछ ऑर्डर करने का बात आता है तो आयुन ऑर्डर करने को मना करती और मे के लिए कुछ अच्छा यानी कि अच्छे जगह से कुछ लाने का बात करती और आयुन ये सब कहते हुए लेने के लिए चले जाती। हम आयुन को देखते जो एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में आती जिसका बिल 1200 बात आता बट आयुन के पास सिर्फ 1100 बात होती। तो आयुन बाद में और पैसे पे करने का बात करती बट ये जो लेडी है ना वो किसी को भी उधार नहीं देती तो आयुन को जस्ट अभी पे करने को कहती, नहीं तो इसके बदले कुछ माइनस करने को कहती। बट आयुन एक भी चीज़ को माइनस करने को मना करती और पैसे के बदले कुछ काम करने का बात करती तो लेडी डिशेस का काम देती। आयुन मे के लिए ये भी काम करने के लिए तैयार हो जाती क्योंकि आयुन मे को बहुत ज़्यादा पसंद करती। जब काम खत्म हो जाता है तो लेडी आयुन का ऑर्डर देती। हम तोन को देखते जो इन दोनों को बताता कि वो कुछ देर पहले कॉफ़ी लेने के लिए बाहर गया था। बाहर में आयुन को किसी रेस्टोरेंट में डिशेस का काम करते हुए देखा, आई थिंक उसके पास पैसे नहीं होंगे तो शायद इसी वजह से काम की होगी। ये देखकर तो यही लगता कि आयुन मे को बहुत ज़्यादा पसंद करती, मे को वो चीट नहीं करने वाली। मे जब ये सब बातें सुनती है तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता बट सिचुएशन समझते हुए आयुन इस बारे में बात नहीं करती क्योंकि शायद बात की तो आयुन को बुरा लगे तो इस वजह से बात ना करना ही सुटेबल समझी। खैर हम आयुन को देखते जब वो मे के पास आती है तो मे को डिश ट्राई करने को देती तो मैं जैसे ही ट्राई करती है तो उसको पसंद नहीं आता तो आयुन मे से पूछने लगती, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो मैं आयुन का दिल रखने के लिए अच्छा बताती बट प्लॉय झूठ बोलने को मना करती क्योंकि मे को ग्रीन बीन्स पसंद नहीं तो सच बताना चाहिए, छुपाने की क्या ज़रूरत। प्लॉय आयुन को बहुत सुनाने लगती क्योंकि गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी आयुन को मे के पसंद के बारे में कुछ नहीं पता। तो मे प्लॉय की बात सुनकर प्लॉय को अब बस करने को कहती क्योंकि मे खाने में यानी कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं इस बारे में अभी तक ओम को नहीं बताई तो इस बात को हवा में उड़ाने को कहती बट प्लॉय चुप नहीं होती। आयुन जब बाहर गई थी तभी प्लॉय फूड ऑर्डर कर देती तो जैसे ही ऑर्डर आता है आयुन का डिश को साइड करते हुए मे को अपना डिश देती और खाने के लिए कहती। तो इसके बाद ही ये तीनों बात करने लगती, मे कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाती है तो हम आयुन को देखते जो इन तीनों के बीच रहने के बावजूद भी खुद को अकेला फील करने लगती। आयुन अपना लाया हुआ खाना को देखकर उसमें से खुद खाने लगती। इसके बाद प्लॉय आयुन को अकेला में देखकर उसके पास आती और पूछती, क्या तुम सच में मे को पसंद करती, क्योंकि आयुन के पास कुछ भी नहीं बट मे की बात करें तो मे के पास सब कुछ है, सिर्फ देख नहीं सकती तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयुन को मे से क्या चाहिए इसके बारे में पूछने लगती तो आयुन इसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि आयुन और मे जो एक दूसरे के लिए फील करती वो प्लॉय कभी नहीं समझ सकती। यहाँ पर हम प्लॉय की बात कर रहे थे तो आयुन को वो ओम समझ रही तो ओम समझते हुए कहती कि अगर ओम मे का ख्याल ना रख सके तो छोड़ देना चाहिए, यही बेहतर होगा। आयुन इसकी बातें सुनकर सीरियस ले लेती। जब तोन और प्लॉय वहाँ से चले जाता है तो मे आयुन के पास आती। आयुन अब घर जाने का बात करती तो मे पूछने लगती कि क्या हुआ, कुछ बात है। अगर प्लॉय की बात है तो वो दूसरों से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहा करती तो उसको लेकर सीरियस नहीं होना चाहिए। आयुन कहती वो मे के लिए परफेक्ट मैच नहीं। तो ये बात सुनकर मे कहती कि दूसरे
क्या सोचते हैं इससे कोई मतलब नहीं, ओम क्या सोचती है ये ज़्यादा मायने रखता। अगर तुम यही बेकार की बातें सोचकर मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो ठीक है, तुम जा सकती। ये कहते हुए मैं आयुन को अकेला छोड़ देती। आयुन का मूड इसी बात को लेकर ऑफ हो जाता। जब आयुन बाइक वॉश कर रही होती है तो कोसोल वाटर वेस्ट करते हुए देखकर कहता, अगर तुम्हें बाइक वॉश नहीं करनी है तो तुम घर जाओ, मैं वाटर के लिए पैसे दिया हूँ तो वेस्ट मत करो। कोसोल आयुन को परेशान में देखकर समझ जाता है कि मैं के वजह से परेशान है, तो ये दोनों फीलिंग के रिलेटेड बात करने लगते। बातों बातों में आयुन कोसोल से पूछती, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है? तो कोसोल ना कहता। आयुन ओम का लैपटॉप लेते हुए रूम में आती। पहले तो ओम से माफ़ी मांगती, बिना परमिशन के उसका सामान यूज़ करी तो इसी वजह से आयुन माफ़ी मांगती। आयुन इस लैपटॉप में अपने नोवेल राइट करने लगती। ग्रैंडमा आयुन के रूम से लाइट ऑन देखकर अंदर आती। वो आयुन को चेयर पर सोते हुए देखकर ब्लैंकेट ये सब ओढ़ाकर लाइट ऑफ करते हुए वहां से चले जाती। ग्रैंडमा ओम का लैपटॉप देखती जो अभी आयुन यूज करी, तो इसी बारे में ग्रैंडमा आयुन से सुबह सुबह बात करती। ग्रैंडमा आयुन पर गुस्सा नहीं होती तो आयुन कहने लगती, मुझे लगा था कि मैं ओम का लैपटॉप यूज़ करी तो इसे लेकर आप चिल्लाने वाले, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो ग्रैंडमा कहती, आयुन कभी भी किसी का भी सामान बिना रीज़न के नहीं छूती, तो अभी कुछ ज़रूरत होगी तो इस वजह से आयुन यूज़ करी। तो आयुन ये सब बातें सुनकर उसे पास्ट का सीन याद आता जहाँ पर दोनों जब छोटी थी, तब आयुन ओम का बुक छीनकर जला देती। ओम इस बारे में ग्रैंडमा को बताने का बात करती है तो आयुन ओम को ज़ोर से धक्का देती जिस वजह से ओम नीचे गिर जाती। आयुन यही याद करते हुए ओम से अब रिश्ते ठीक करने का बात करती और जो ओम का है वो वापस लौटाने का बात करती, यानी कि शायद आयुन मे को ओम को वापस लौटाने का बात कर रही। तो जो भी बात है वो तो हमें बाद में पता चलेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम पैंग को देखते जो ऑफिसर को मैसेज करती, बट ऑफिसर सीन नहीं करती है तो पैंग कॉल करते हुए मिलने के लिए बुलाती। जब दोनों बाहर होती है तो बातों बातों में पता चलता इस जगह पर दोनों पहली बार मिली थी। एक दिन जब ऑफिसर रेस्टोरेंट में आती है तो एक प्लांट को देखकर इसका नाम पूछती। पैंग ऑफिसर को देखकर इस प्लांट के बारे में खुद बताने लगती। ऑफिसर पहली नज़र में ही पैंग को पसंद करने लगती, बट ये बातें पहली मुलाकात पैंग को बिल्कुल भी याद नहीं होती। तो फिर भी ऑफिसर इस बात को इग्नोर करते हुए ब्रेकअप करने को मना करती। पैंग आयुन को पसंद करती है तो इसे लेकर भी वो सब कुछ जानती है, बट पैंग के साथ रहने के लिए ऑफिसर अभी भी तैयार है। बट पैंग की बात करे तो वो ब्रेकअप करने को कहती क्योंकि आयुन को वो स्टार्टिंग से पसंद करती, ऑफिसर को कभी भी पसंद नहीं कर पाई। तो अब ना ही अपने आप से झूठ बोल सकती और ना ही ऑफिसर को, और ज़्यादा किसी को भी हर्ट नहीं करने वाली, तो यही लेकर अपने आप को कोसते हुए ब्रेकअप करने को कहती। तो हम ऑफिसर को देखते जो इस बारे में, इस सिचुएशन के बारे में वो पैंग को फोर्स नहीं कर सकती तो ब्रेकअप करने के लिए तैयार हो जाती। पैंग ऑफिसर से बात करते हुए आयुन के पास आती और बताती कि वो ऑफिसर से ब्रेकअप कर ली। आयुन सिंगल देखकर फिर भी पैंग को पसंद ना करने का बात करती तो पैंग कहती, मैं जानती हूँ तुम पसंद नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, फ्रेंड तो रह सकते हैं ना। आयुन ब्रेकअप करने का रीज़न पूछती तो पैंग बताती वो ब्रेकअप अपने लिए की क्योंकि वो ऑफिसर को कभी पसंद नहीं कर पाई, तो अब ना ही खुद को और ना ही ऑफिसर को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, यही सब सोचते हुए ब्रेकअप की। और यही सब कहते हुए आयुन को भी अब झूठ बोलने को मना करती, मतलब कि मे को जो धोखा दे रही इस बारे में इससे ज़्यादा और झूठ बोलने को मना करती और सब सच बताकर यहीं पर बात ख़त्म करने को कहती, नहीं तो आगे चलकर आयुन को बहुत परेशानी होगी, बहुत पेन मिलने वाला। बट आयुन फिर भी इसके बातों को इग्नोर कर देती। मे को हम खुद से ब्रेकअप करते हुए देखते, वो भी टोन की मदद से, मतलब कि टोन वीडियो कॉल के जरिए मे को इंस्ट्रक्ट करता। मे जब रेडी हो जाती है तो वो आयुन के पास कॉल करती, बट आयुन कॉल रिसीव नहीं करती तो मे मैसेज करती कि वो आयुन को बहुत मिस कर रही। आयुन मैसेज देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती तो आयुन कॉल करती। आयुन कहती, तुम्हें नोवेल रीड करना पसंद है ना, तो मैं एक नोवेल लिख रही। नोवेल वाली बात सुनकर मैं जल्द से जल्द रीड करने का बात करती तो आयुन कहती कि अभी आयुन का माइंड बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक होकर है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे।
आयुन मे के पास आने का बात करती है, क्योंकि मे के साथ रहती है तो आयुन का यानी कि बहुत से आइडियाज आयुन को मिलता। तो ये सुनकर ना मे अपने पास बुलाती, तो आयुन अपने साथ लैपटॉप लेते हुए मे के पास आती। मे पूछती, तुम अपने साथ क्या लेकर आई? तो आयुन बताती कि वो अपने साथ लैपटॉप लेकर आई, इसमें नोवेल है। आयुन रीडिंग ऐप के जरिए अपना लिखा हुआ फर्स्ट चैप्टर मे को सुनाती, जो अभी तक कंप्लीट नहीं है, जितना भी रेडी हुआ वो सुनाती। मे सुनते हुए कहती कि इसमें कुछ कमी है, तो जो भी कुछ कमी है वो सब के बारे में बात करती और मे आयुन को हेल्प करने का बात करती। वहीं हम ऑफिसर को देखते हैं जो फूड ऑर्डर करती बट कोई ऑर्डर नहीं लेता, तो जेन ऑफिसर को इनवाइट करती। हम देखते दोनों साथ में बैठकर खाना खाते, पानी नहीं होता है तो ऑफिसर खुद पानी लेने का बात करती। तो जैसे ही किचन की तरफ जा रही होती है तो ऑफिसर सेम प्लांट देखती। जब ऑफिसर पहली बार पैंग से मिली थी और इस प्लांट को लेकर दोनों के बीच में जो भी बात हुआ था वही सब याद करते हुए ऑफिसर बहुत ज़्यादा रोने लगती। जेन इसे रोते हुए देखकर उसे संभालती। तो यहाँ पर हमें पता चलता कि ऑफिसर और पैंग का रिलेशन एक साल के लिए चला। एक साल रहने के बावजूद भी पैंग को कुछ याद नहीं, दोनों कैसे मिली, इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं। इसे लेकर ऑफिसर बहुत इमोशनल होने लगती। तो दूसरी तरफ हम आयुन को देखते हैं जिसको मे बात लेने में हेल्प करती। आयुन कहती, मुझे लगा था कि तुम नोवेल लिखने में हेल्प करने वाली, बट तुम बात लेने को क्यों कही? तो मे कहती, तुमने कही थी कि तुम मेरे साथ रहती हो तो तुम्हें नोवेल लिखने में हेल्प मिलता, तो इसलिए मैं लेकर आई। तो इसके बाद ही आयुन फिर से नोवेल लिखती। जैसे ही नोवेल का फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट होता है तो आयुन मे को एडिट करने के लिए देती, मतलब कि मैं नोवेल सुनते हुए इसे वेबसाइट पर अपलोड करने को कहती, क्योंकि दूसरे लोग रीड करेंगे तो कमेंट देने वाले, कमेंट के जरिए आयुन को इनकरेजमेंट मिलेगी तो नोवेल कंप्लीट करने में हेल्प भी होगा। तो आयुन अपलोड करने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसे डर लग रहा, अगर कोई पसंद नहीं किया तो फिर सब उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, जिस वजह से आयुन का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो इसी वजह से वेबसाइट पर अपलोड ना करने का बात करती। तो मैं हर एक चैप्टर कंप्लीट करने पर कुछ रिवॉर्ड देने का बात करती, मतलब कि रिवॉर्ड के चक्कर में आयुन जल्द से जल्द नोवेल कंप्लीट कर लेगी, तो इसी वजह से मैं रिवॉर्ड देने का बात करती। मैं पूछती, तुम्हें मुझसे कैसा रिवॉर्ड चाहिए? तो आयुन किस लेने का बात करती। जैसे ही आयुन करीब आती है तो मैं दूर हटाते हुए पहले वन बाय वन चैप्टर कंप्लीट करने को कहती और जस्ट सैंपल के तौर पर हैंड किस देती। आयुन देखकर कहती, अगर मुझे स्टार्टिंग में ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा तो तब क्या होगा, जब नॉवेल कंप्लीट हो जाएगी तब क्या होगा? तो ये सुनकर मैं कहती, अगर तुम जानती हो तो शायद एक रात में ही नॉवेल कंप्लीट करने वाली। तो यही सब क्यूट से बातें करते हुए दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता। तो अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।